अस्सलाम वालेकुम सबा स्पेस क्लासेस में आज मैं इंशाल्लाह एक बहुत ही बेनिफिशियल और चटपटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो है अंबाड़े के फूलों का अचार। अंबाड़े की भाजी तो आपने बहुत खाई होगी, इसके फूल भी इन दिनों यानी विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा बाजार में मिल जाते हैं और बहुत आसानी से मिलते हैं। ये देखिए ये इस तरह होते हैं, ये टेस्ट में खट्टे होते हैं। इसके बहुत सारे यूज़ेस हैं, अगर आप चाहते हैं इसके और भी यूज़ेस तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये जो फूल होते हैं डायबिटीज़ के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम देखिए इसकी पत्तियां अलग कर लेंगे और इसके जो बीज का सेंटर का हिस्सा अलग कर लेंगे क्योंकि इसमें बीज होते हैं। ये जो हरा वाला पार्ट होता है इसमें बीज होते हैं, हम ये साइड वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। हमें इसे साइड वाला हिस्सा ही यूज़ करना है और बीज वाला हमने सूखा लेना है क्योंकि इसके बीज इसे अगर हम सूखा कर लगाएंगे तो अंबाड़े की भाजी का झाड़ उग जाता है। ठीक है, तो मैं भी इसे अपने गार्डन में लगा लूँगी सूखा कर। मसालों में हम लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया और 2 टीस्पून ज़ीरा और 15 से 20 सूखी लाल मिर्ची और 2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून मेथी दाना और 2 टीस्पून कलौंजी। 1/2 कप हमने लहसुन लेना है और 1/2 कप हमने अदरक लेना है कटी हुई। अब देखिए हम ये सारे मसाले कढ़ाई में डालेंगे और धीमी आंच पर ये सारे मसाले हम भून लेंगे। हमने फ्लेम को ज़्यादा नहीं हाई करना है, हमने इसे धीमी आंच पर भून कर इसे हमने मोटा मोटा कूट लेना है, इसे आपने बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अदरक लहसुन है इसे भी आप बिना पानी के पीस लीजिए और तेल अब हम गरम कर लेंगे। हमने 1 कप तेल गरम किया, उसमें मोटा मोटा कूटा हुआ अदरक लहसुन हम इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, लाल मिर्च डालकर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें ये मसाले डाल देंगे जो हमने बिल्कुल मोटे मोटे कूटे हैं, बिल्कुल हमने दरदरा पीसना है इन मसालों को। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हाँ, याद रखिए गैस का फ्लेम लो है। उसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालना है। नमक डालकर आप इसे अच्छी तरह से भूनिए। देखिए अभी भी गैस का फ्लेम बहुत कम है यानी लो है। उसके बाद आप इसमें ये सारी जो पत्तियाँ हमने निकाली थी अंबाड़े के फूलों की वो सारी पत्तियाँ हमने इसमें डाल देनी है और फिर हम इसे ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है, हमने इसे ऊपर नीचे कर लेना है। अब गैस का फ्लेम को हमने हाई कर लेना है। गैस के फ्लेम को हाई कीजिए और ये सारी पत्तियों को में चम्मच हिलाते रहिए। ठीक है, हमने चम्मच हिलाते हुए हाई फ्लेम पर इसे पका लेना है। बस ज़्यादा नहीं पकाना है हमने, 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट ही हम इसे पकाएंगे और फिर हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। देखिए ये 4 से 5 मिनट में ही इतनी नर्म हो जाएंगी। जब ये नर्म हो जाएंगी तब आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ठीक है, देखिए अब हमने गैस का फ्लेम बंद किया और अब आप इसे डिश में निकालिए या फिर एक ग्लास जार में निकाल कर आप इसे रख लीजिए। ये 15-20 दिन तक ये अचार बहुत अच्छा रहेगा। आप इसे फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। आप अगर आप इसे ज़्यादा दिन प्रिजर्व करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और तेल डालकर किसी जार में आप भर कर फ्रिज में रख दीजिए। आप कभी दाल चावल बनाते हैं या फिर आप रोटी के साथ, ये कभी भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा और न्यूट्रिशियस भी रहेगा। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इस रेसिपी के बारे में अपनी राय ज़रूर लिखें, कहीं कैसी लगी आपको रेसिपी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबाज़ बेस्ट क्लासेस।